जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको जो है ना 11th नंबर चैप्टर बता देंगे। सिर्फ उसके बाद एक चैप्टर और बच जाएगा BST का, समझे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा BST खत्म हो जाएगा, अकाउंट भी खत्म हो जाएगा, हो गया है। देखिए इसमें आपको क्या, चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया कि मार्केटिंग का मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट मतलब क्या, हर एक चीज़ मैनेजमेंट का काम क्या रहता है, हर एक चीज़ करना, कि कब माल बना, कितना प्राइस रखेंगे उसका, कितना पैसा रखेंगे, किस किस को बेचना है, कब बेचना है, मतलब हर एक चीज़ करना क्या होता है, मैनेजमेंट करना होता है। मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है, बहुत सारा देखेंगे, कोका कोला का मार्केटिंग आप देखे होंगे, क्या क्या रहता है, पहले शुरू शुरू में कोका कोला नहीं बिकता था, शायद एक साल में 12 बोतल बेचा था, सोचिए कितना कोका कोला। आज जो है सबसे बड़ा कोई ब्रांड है ना दुनिया में, तो कोका कोला का है, याद रखिए कोका कोला का ब्रांड है, समझे। तो 12 सिर्फ कैन बेच पाया था, 12 जो है ना बोतल बेच पाया था कोका कोला। उसका क्या क्या है, वो कोका कोला ही था या फिर, हाँ तो क्या क्या था अपना जो है ना प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए खाली बोतल जो है ना ज़मीन पर फेंक देता था, शायद यही था, या फिर मान लीजिए दूसरा कोका कोला ही था, क्या करता था, पीता नहीं था लेकिन रख देता, फेंक देता था रोड पे, तो उसे आदमी देखता था, अच्छा कोका कोला पीने वाला आदमी जो है ना, मतलब कोका कोला को देखता था तो लगता था क्या सब आदमी पीता है, तो क्या करता था, सब आदमी पीता था तो खरीदना शुरू कर देगा। आप भी कोई चीज़ देखिएगा स्टिंग सबका बोतल फेंका हुआ, तो अपना लोग भी खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे अभी ब्लू वाला आया है, जैसे ही देखते हैं किसी के हाथ में स्टेटस में, तो हम लोग भी ब्लू वाला पीना शुरू कर देते, वो क्या है, मार्केटिंग है। ठीक, मार्केटिंग मतलब क्या होता है ये समझे। पहले के लोग मार्केटिंग क्या समझता था, कि कहीं मान लीजिए दरभंगा, पटना, मुंबई, दिल्ली, गया, मतलब जहाँ पे भी है जाओ और आपको वहाँ से माल खरीद लो, वो हो गया आपको क्या हो जाता था, मार्केटिंग हो जाता था। आप जाइएगा, वो बोलेगा कि मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है आप खरीद लीजिए, तो वो क्या हो जाता है, पहले ये सोचता था मार्केटिंग। लेकिन अभी इसका मतलब मार्केटिंग मतलब क्या हुआ, कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, या तो मान लीजिए फ्लिपकार्ट से भी खरीदिएगा तो वो मार्केटिंग हुआ। मार्केटिंग का मतलब क्या होगा कि जो ब्रांड है, जैसे मान लीजिए एप्पल ले लीजिए, आईफोन ले लीजिए, कोई भी कुछ ले लीजिए, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है आपको। मार्केटिंग मतलब ये है कि प्रोडक्ट के बारे में बताएगा पहले बात वो, और आपको खरीदने के लिए कन्विंस करेगा, अभी के ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे हो, भाई हम जानेंगे तब ना हम तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, जानबे नहीं करेंगे तो कैसे खरीदेंगे। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल वांट, मतलब लोग क्या चाहता है, पहली बात ये। उसके बाद फाइंडिंग वेज टू गिव इट, मतलब क्या, कोई रास्ता ढूंढेगा कि ऑफलाइन देना है कि ऑनलाइन देना है कि डायरेक्ट जाके उसको देना है, मतलब क्या, मार्केटिंग का मतलब क्या, लोग क्या चाहता है उस तरह से हम प्रोडक्ट बनाएंगे और हम कन्विंस करेंगे कि देखो मेरा माल सबसे बढ़िया है, इतना इसमें प्रॉफिट, सॉरी इतना इसमें जो है ना आपको लगाते ही, जैसे कि मान लीजिए फेयर लवली का मार्केटिंग कैसे करता है, एकदम दो ही दिन में गोरा कर देता है, जिधर लगाता है उधर गोरा देता है। इसका मतलब क्या है, ये मार्केटिंग है, अर्थात कि आपको कन्विंस कर रहा है वो खरीदने के लिए कि आप भी लगाए तो गोरा हो जाएगा ये, तो वो क्या होता है, मार्केटिंग होता है। ठीक, मतलब वो प्रोडक्ट के बारे में, फेयर लवली अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और आपको कन्विंस करेगा खरीदने के लिए, उसी बोलते हैं मार्केटिंग, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक, जिसको हिंदी में विपणन बोलते हैं, मतलब विपणन वो क्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का इसका निर्माण करके उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, उपभोक्ता मतलब आप और हम जैसे लोग, ताकि उपभोक्ता को संतुष्टि करते हुए लाभ प्राप्त करें, क्या जैसे इतना ही नहीं है कि मतलब कोई जो माल बेचेगा फेयर लवली तो आपको सिर्फ गोरा कर देगा, भाई वो प्रॉफिट भी कमाएगा। कोई भी जो बंदा जो, या फिर मान लीजिए कोई भी बिजनेस या कोई भी ब्रांड आपको प्रोडक्ट बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे नमक तेल जो सब टाटा वाटा बेचता है ना, तो बेचेगा नो डाउट एट ऑल, लेकिन वो प्रॉफिट भी कमाएगा, याद रखिएगा कि आपको बेचते हुए वो प्रॉफिट भी कमाएगा, समझे। तो होता है मार्केटिंग, सोने बेच दिया आपको घाटा में चल रहा है तो वो नहीं हुआ, तो दान करना हुआ क्या, बिजनेस में दान वान जो है ना आपको ज़्यादा नहीं करते रहता है। ठीक, देखिए आपको अब फंक्शन क्या क्या है इसका, ये देख लेते हैं फंक्शन क्या क्या है, ये आपको समझने वाली बात है, कार्य क्या है मार्केटिंग में, कार्य क्या रहता है। पहला तो गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या, कोई भी मार्केट मान लीजिए कि हम दुकान खोलेंगे, पटना में ले लिए, दिल्ली, गया, मतलब कहीं पर भी हम मान लीजिए दुकान खोलेंगे, तो हम देखते अच्छा मान लीजिए हम मेडिकल शॉप खोलेंगे या कोई कुछ और खोलेंगे, तो हम ये देखेंगे कि मेरे अगल बगल में कौन सा दुकान है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, अच्छा उसका सेल्स कैसे हो रहा है, उसका कस्टमर कहाँ कहाँ जा रहा है, मतलब हर एक चीज़ जानकारी इकट्ठा करेंगे। पहला काम ये रहेगा मार्केटिंग का, पहला काम ये रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा आपको, कि मार्केटिंग का प्लानिंग करेंगे, कब बेचना है, कितना बेचना है, कितने बजे खोलना है दुकान, क्या करें, मतलब प्लानिंग में हर एक चीज़ आ जाता है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन करेंगे, मान लीजिए जब पेन बेचना चाहते हैं तो देखेंगे यार लिंक ग्लेशियर ऐसा बनाए तो हम इससे बढ़िया बना देंगे, प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाएंगे ताकि लोग कस्टमर जो है ना अट्रैक्टिव हो, प्रोडक्ट के डिज़ाइन से भी बड़ा कस्टमर अट्रैक्टिव होते रहता है। अब बराबर मस्त मस्त प्रोडक्ट रहेगा ना तो अच्छा आदमी खरीदने लगता है। पैकेजिंग सब रहेगा, जैसे कि मान लीजिए V2, V Mart, कोलकाता बाजार, आप लोग मॉल वॉल जाते होंगे तो पैकेजिंग बढ़िया करके देता है। फिर यार मान लीजिए ब्रांडेड कपड़ा लेते हैं तो देखते हैं पैकेजिंग डिज़ाइन वगैरह सब कितना मस्त रहता है,
क्यों? क्योंकि उसके थ्रू उसका मार्केटिंग होता है। जैसे ये मान लीजिए हम थैला लेके गए तो मॉल से निकले, अब V2 वाला है या कोलकाता बाजार वाला है, लेके निकले तो लोग सब देखेगा, अच्छा देखो यार कितना ये मस्त है, मतलब तो क्या जो उसको दिखते रहेगा V2 से आप लाए हैं, मत खरीद के कुछ ना कुछ सामान उसमें उस पर V2 लिखा रहता है, अर्थात आपका मार्केटिंग हो रहा है। तो मार्केटिंग के अंदर क्या रहता है, ये सब चीज़ आता है। उसके बाद प्रमोशन करना हुआ, हम हीरो हीरोइन के ले लेते हैं, अब बोलते हैं प्रचार करिए मेरा, देखते ना प्रचार करते थे टीवी सब पे, मतलब प्रमोशन करना होता है, मार्केटिंग का अर्थ ये भी होता है, उसका मार्केटिंग का अंदर ये काम रहता है। उसके बाद माल बेच दिए तो अंतिम हमको फीडबैक भी लेना है। फीडबैक मतलब क्या, हम जो माल बेचे हुए हैं आपको कैसा लगा, जैसे खाना खाते खाने जाते होंगे कोई रेस्टोरेंट, आपको पूछता होगा सर खाना कैसा लगा, आखिर वो फीडबैक लेना चाहता है। आप बोलेगा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करिए, अच्छा नहीं लगा थोड़ा, तो वो अच्छा बना के देगा अगली बार से, ठीक। तो वो क्या होता है, फीडबैक भी लेना मार्केटिंग का अंदर। मार्केटिंग के अंदर क्या मतलब क्या, बिजनेस को खड़ा करने के लिए जो जो चीज़ का जरूरत हो, बिजनेस को खड़ा करना, माल बनाना, माल का प्राइस रखना, माल बेचेंगे कहाँ बेचेंगे किस तरीके से बेचेंगे, हर एक चीज़ आता रहता है मार्केटिंग के अंदर, ठीक। मार्केटिंग के अंदर एक सेलिंग आता है, मार्केटिंग मतलब ये होता है माल बेचना, लेकिन सेलिंग का अर्थ क्या होता है, कि सेलिंग मतलब विक्रय होता है। सेलिंग मतलब क्या होता है, विक्रय मतलब कॉमन सी बात है कि आप माल जाके बेच दीजिए, कोई भी माल बेच दिए तो वो सेलिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप दुकान कोई खोले हैं और बोलेगा कोई आएगा कि एक दे दीजिए, ये क्या नाम है साबुन दे दीजिए, आप कौन साबुन दे दीजिएगा, मतलब सेलिंग हो जाएगा। आपको पैसा दिया, आप क्या दे दिए, आप साबुन दे दी, तो वो सेलिंग हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अपना प्रोडक्ट आप बोलेगा क्या, सब तो लेबे करते हैं, ये प्रोडक्ट लेके जाइए एकदम पूरा जो काला है गोरा हो जाइएगा आप, तो वो क्या हो जाएगा, आपको कन्विंस कर रहा है और माल बेच देगा आपको, तो वो होता है क्या, नया नया प्रोडक्ट लाना और माल बेचना क्या होता है, यह होता है मार्केटिंग, ठीक। मार्केटिंग और आपको इसमें सेल्स में अंतर, सेलिंग में अंतर समझ गए। सेलिंग मतलब क्या, कॉमन सी माल बेचना, आपको पैसा दिया माल बेचा बात खत्म, मतलब कि हर मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग आता है। मार्केटिंग का, मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है, मार्केटिंग के अंदर माल बनाने से लेकर माल बेचने तक मतलब पूरा हो जाता है बिजनेस, उसी के अंदर एक टर्म आता है सेलिंग। सेलिंग मतलब क्या, प्रोडक्ट को बेचना, बस हो गया, आप पैसा दीजिए या फिर उस पैसा के बदले कुछ और दीजिए और वो आपको बेच देगा, उसी को बोलते हैं सेलिंग, समझे। मार्केटिंग सेलिंग में अंतर क्या होता है, कि सेलिंग मार्केटिंग के अंदर ही आता है, समझे। मार्केटिंग मतलब सेलिंग ही होता है, समझ गए। मतलब मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है जिसकी, जिसमें आपको कितना प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा रहेगा, प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा, ब्रांड कैसे बनाएंगे, उसे डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसका कितना बंदा लाएंगे, कहाँ कहाँ बेचेंगे, मतलब हर एक चीज़ आता है मार्केटिंग के अंदर। उसी के अंदर ये भी होता है कि बेचना, तो सेलिंग मतलब होता है बेचना, माल को बेचना का एक बोलते हैं सेलिंग, ठीक। एक टर्म होता है, नेक्स्ट टर्म आएगा आपको वो है मार्केटिंग मिक्स, नाम से ही पता चलता होगा मार्केटिंग मिक्स। मिक्स मतलब क्या, दो तीन चीज़ मिला रहेगा इसमें, मार्केटिंग तो समझ गए क्या, अब मिक्स मतलब क्या, दो तीन चीज़ इसमें मिला रहेगा, क्या क्या। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द टूल्स और टैक्टिक्स, मतलब क्या, रणनीति, टैक्टिक्स याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आएगा टर्म इसमें। रणनीति होता है डैट मार्केट यूज टू प्रमोट एंड सेल, जिसके द्वारा क्या रहता है, मार्केट कोई प्रोडक्ट जो है ना आपको बेचता है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाता है और उसे बेचता है, उसी को विपणन मिश्रण करते हैं। विपणन मिश्रण के सहारे कोई भी बंदा अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाता है और उसे बेचता है, उसी बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के थ्रू, मार्केटिंग मिक्स क्या है वो हम देखते हैं। इसके अंदर चार चीज़ आता है आपको, प्रोडक्ट, उत्पाद, प्रमोशन, संवर्धन, प्राइस, मूल्य, प्लेस, स्थान। मतलब क्या, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर चार चीज़ आता है कि प्रोडक्ट कैसा रहना चाहिए, पहला बात ये, उसका प्रमोशन कहाँ करेंगे, उसका दाम कितना रखेंगे, 10-20 रुपया रखेंगे, 10 लाख रखेंगे, और कहाँ बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे कि ऑनलाइन बेचेंगे। इसके थ्रू आदमी जो है कोई नया प्रोडक्ट लाता है और उसे लॉन्च करता है, अपना माल बेचता है, उसी को बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, ठीक। मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट का देख लेते हैं, इसमें चार चीज़ है। पहला आता है प्रोडक्ट मिक्स, मार्केटिंग मिक्स के अंदर रहता है प्रोडक्ट मिक्स, मतलब क्या, उत्पाद मिश्रण। उत्पाद मिश्रण क्या होता है, कि जो भी डिसीजन लेते हैं मार्केटिंग करते वक्त, जो भी डिसीजन लेते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसी को बोलता है प्रोडक्ट मिक्स, उत्पाद मिश्रण। मतलब क्या, कि प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा रहना चाहिए, कलर कैसा रहना चाहिए, डिजाइन कैसा रहना चाहिए, ब्रांडिंग कैसा रहना चाहिए, क्वालिटी कैसा रहना चाहिए, साइज कितना रहना चाहिए। से एक एग्जांपल समझाते हैं, मान लीजिए ये जो पॉन्ड्स का ये है, इसका कंपनी का क्या नाम है, पॉन्ड्स ही नाम है, यूनिलीवर्स का है ये, इसका ब्रांड हो गया। अब देखिए ये पैकेजिंग क्या होना है प्रोडक्ट के बारे में, इसका प्राइस कितना रखेंगे, ये सब क्या होता है, ये सब जो डिसीजन लेते हैं उसी को बोलता है प्रोडक्ट मिक्स।
उत्पाद मिश्रण के अंदर लेते हैं हम ये सब डिसीजन। मार्केटिंग मतलब क्या, हर एक चीज़ उसके अंदर एक रहता है प्रोडक्ट मिक्स, ठीक, अर्थात हम प्रोडक्ट उत्पाद का मतलब क्या डिजाइन रहना चाहिए, क्या वस्तु रहना चाहिए, क्या नाम रखे प्रोडक्ट का, जैसे इसका नाम रख दिए हैं पॉन्ड्स, समझे, वो सब किसके थ्रू रहता है, तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है, ठीक। इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं जो कि पढ़ना जरूरी है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, एक ब्रांडिंग, एक लेबलिंग, एक पैकेजिंग, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब क्या, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या होता है, आपको मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो प्रोडक्ट मिक्स आता है उसके अंदर तीन एलिमेंट रहता है, जैसे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब क्या हो गया, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक नेम, एक यूनिक नाम रहना चाहिए ब्रांडिंग के अंदर, समझे, उसके बाद यूनिक नेम, सिंबल और डिजाइन डैट रिप्रेजेंट ए प्रोडक्ट और कंपनी। देखिए, एक देखिए अलग इसका नाम है पॉन्ड्स, दूसरा किसी का नाम है, दूसरा का दूसरा नाम रहता है ना, अर्थात क्या ब्रांडिंग मतलब क्या हो गया, अलग नाम देना, हाँ, उसके बाद आपको अलग सिंबल देना, अलग डिजाइन है, हर एक देखिए अलग अलग फेस वॉश का अलग अलग डिजाइन होगा, सिंबल अलग अलग रहेगा, अर्थात क्या वो ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग मतलब क्या, नामकरण या ब्रांडिंग जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा बाजार में किसी वस्तु की एक विशेष पहचान, अब मतलब क्या अलग पहचान दिया जाता है, किसके थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू। ब्रांडिंग के अंतर्गत वस्तु को एक अलग पहचान दिया जाता है, समझ गए, ब्रांडिंग के अंदर प्रोडक्ट जब बनाने लगते हैं उसके बीच में क्या आता है, ब्रांडिंग मतलब क्या अलग पहचान देना। इस कौन ब्रांड का है, ये है यूनिलीवर का है, ठीक, यूनिलीवर कंपनी बनाया होगा और इसका नाम अलग दिया है, डिजाइन वगैरह सब अलग दिया है, जैसे कि मान लीजिए पॉन्ड्स का और दूसरा सब फेस वॉश सब हो गया, आपको मामा अर्थ का फेस वॉश हो गया या दूसरा, तो वो होता है। अतः लेबलिंग आता है, लेबलिंग इज टू फिक्स अ लेबल और राइट इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग लाइक इंग्रेडिएंट, प्राइस, एक्सपेंस। लेबलिंग मतलब क्या हो गया, जब प्रोडक्ट बनाने लगेंगे मार्केटिंग के अंदर, तो ये देखिए लेबलिंग यही सब हुआ कि प्रोडक्ट के अंदर इसके अंदर क्या क्या चीज़ है उसका लेबल करना, उसका मतलब क्या चित्रित करना, समझे, ये हो गया। ये जो मतलब मान लीजिए कि क्या क्या दिया है कि स्पॉटलेस ग्लो फेस वॉश है, क्लिनिकल प्रूवन रिड्यूस मतलब क्या डार्क स्पॉट सब घटाता है, उसमें क्या क्या चीज़ यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया लेबलिंग करना हुआ। तो इसके अंतर्गत वस्तु का लेबल तैयार किया जाता है, मतलब क्या संबंधित सभी जानकारी दिया जाता है कि वस्तु का नाम क्या है, बनाने की विधि क्या है, किस तरीके से बनता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इसका प्राइस कितना है, एक्सपायरी डेट कितना है, उसको बोलते हैं लेबलिंग करना, ठीक। अंत में आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग उसे तीन स्तर पे होता है, पहला पैकेजिंग ये हो गया, दूसरा ये इसको खरीदने जाएगा तो डब्बा में देगा, और तीसरा आपको उससे भी बड़ा डब्बा में जाता है जो कि आप होलसेलर में लीजिएगा तब वो देगा। मतलब पैकेजिंग मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट का पैकेजिंग मतलब क्या हो गया, ऑल दोज एक्टिविटी डैट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ कंटेनर और रैपर ऑफ फॉर ए प्रोडक्ट। मतलब क्या, ऐसा एक्टिविटी जिसके थ्रू जो है ना आपको डिजाइन कैसा रहना चाहिए, कोई कंटेनर या रैपर मान लो जो पन्नी कुनी गिरा था, या पैकेजिंग मतलब समझे ना किस तरीके से इसका अपीयरेंस होगा ना, उसी का बोलता है पैकेजिंग। आपको बोलेगा क्योंकि शादी का कार्ड पैकेज कर पैक कर दीजिए के लिए, मतलब किस तरह से पैकेजिंग होगा, अर्थात किस तरीके से उसका कंटेनर रहेगा, उसको प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं पैकेजिंग। इसका हिंदी में नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा। रैपर मतलब क्या पन्नी जो रहता है उसी का हो गया क्या, आपको जिसके ऑनलाइन सामान मंगाते होंगे आपको तो देखे होंगे पैकेजिंग मस्त करता है, पहला लिखे पन्नी के दिया रहेगा, फ्लिपकार्ट लिखा रहेगा जिसपे, उसके अंदर खोलेंगे तो मोबाइल का कवर अलार्म आराम से मतलब मोबाइल का प्रोडक्ट का पैकेजिंग रहे, इतना गजब देता है आईफोन तो और गजब देता है गजब, अर्थात क्या उससे भी आपको जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे, कैसा आपका क्या है ये है पैकेजिंग कैसा है उससे बिजनेस में बहुत इफेक्ट पड़ता है। बढ़िया पैकेजिंग है तो एक के बार देखने मज़ा आ जाता है, कोई भी आदमी खरीद लेता है तब, समझ गए। तो पैकेजिंग मतलब क्या हो गया कि आपका ओवरऑल लुक कैसा है, मतलब क्या रैपर कोई भी चीज़ का रैपर क्या है, मतलब क्या रैपर मतलब पन्नी जिसको बोलते हैं अपना लोग, क्या पोलोथीन जिसको बोलते हैं, कंटेनर मतलब क्या जिसमें लिख सामान की जाते हैं उसमें, मतलब पैकेजिंग का ओवरऑल मतलब क्या होगा। क्योंकि देखिए कॉमन चीज मतलब समझिए कि मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या, मार्केटिंग के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स के अंदर तीन चार चीज़ आएगा जिसके थ्रू कोई भी आदमी जो अपना प्रोडक्ट लाता है और बेचता है, समझे। उसके अंदर पहला आता है प्रोडक्ट मिक्स, जिसके अंदर क्या करता है कोई भी बंदा प्रोडक्ट के बारे में उसका नाम लिखता है, क्या क्या उसके अंदर है, क्या क्या पैकेजिंग है, कैसे पैकेजिंग करे, मतलब प्रोडक्ट से हर रिलेटेड जो काम करते हैं ना, डिसीजन जो लेते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स, ठीक। उसका क्या हो जाए पैकेजिंग का फंक्शन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका काम क्या है। देखिए कॉमन सी बात है, पैकेजिंग जो करता है उसका काम क्या रहता है, पैकेजिंग जो रहता है उसका काम क्या रहता है। आप जाते होंगे सामान लाने, भी टूज गए होंगे, आप भी मार्ट गए होंगे, कोलकाता बाज़ार गए होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे मॉल वगैरह में, देखिएगा आपको पैकेज दे देगा बना के,
वी टू जिस पे लिखा रहता है, वी मार्ट लिखा रहता है, उसका काम क्या रहता है? पहला तो प्रोटेक्शन काम करता है, पन्नी की जो देता थैला उसी को बोलते हैं पैकेजिंग, थैला जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। पहला बात तो काम करता है कि डस्ट वगैरह से, जैसे उसके अंदर कपड़ा रखें तो उसको डस्ट वगैरह से, इंसेक्ट वगैरह से, और आपको फिजिकली डैमेज होने से बचाता है। पहला काम तो यह है कि बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, आपको अलग पहचान आ जाता है कि जैसे ही देखता है तो बोलते कहाँ से आए हो, तो समझ जाता है कहाँ से आए हो, तो समझ जाता है कहाँ से आए हो, बोलते वी टू से आए हो, बस प्रोडक्ट पैकेजिंग ये देख के, पनी के आपको पोलोथीन ये देख के पता चल कर लेता है कहाँ से आए हो। तो दूसरा तो ये बहुत बड़ा इसका फंक्शन हो गया। तीसरा प्रमोशन होता है, देखिए जैसे ही आप लेके जा रहे हैं ना, जैसे ही आप लेके जा रहे हैं तो आपको देखते जाएगा लोग सब, अच्छा यार देखो यार एक आदमी नहीं पाँच दस आदमी देख रहे हो ये लेके जा रहा है, क्या नाम है, वी टू से कपड़ा लेके जा रहा है, मतलब क्या ऑफर दे रहा होगा, चलो 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 अपना लोग भी खरीदते हैं, मतलब प्रमोशन हो रहा है आपका, फ्री का प्रमोशन होते रहता है उससे, याद रखिएगा। अब मान लीजिए किसी घर में गए, देखे गए और दिखा रहता है वहाँ पे कौन सा कोई सोनार का बैग दिया रहता है, कोई कपड़ा वाला का रहता है, तो बताओ यहाँ से कपड़ा खरीदता है, इसलिए इतना सुंदर सुंदर रहता है इसका कपड़ा, तो हम भी जाकर वहीं से खरीदते हैं, मतलब क्या प्रमोशन होगा उससे। कन्वीनियंस होता है, सही बात है, पोलोथीन सब दे देता है ना, कपड़ा वपड़ा लाने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है, समझे, आपको परिवहन को आसान बना देता है, एक स्थान से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उसका, कन्वीनियंस होता है। ये चार आप याद रखिएगा, बस हो गया, ठीक। दूसरा आता है प्राइस मिक्स, प्राइस मिक्स मतलब क्या हो गया, ऑल दोज डिसीजन विच आर कंसर्न विद प्राइस फिक्सेशन, मतलब क्या मूल्य मिश्रण, मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट तो चलिए बना लिए, नाम वाम सब कुछ दे दिए, अब आता है उसका दाम रखने का, तो दाम रखेंगे क्या, वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पर। मान लीजिए कि डिमांड ज़्यादा करेगा कोई, कोई प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा करेगा तो हम क्या करेंगे, तब आराम से क्या कर देंगे उसको, कम 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 लागत लगेगा बनाने में, कम लागत बनेगा लगेगा बनाने में, तो प्राइस उसका कम कर देंगे हम। मतलब प्राइस मिक्स क्या होता है, प्राइस मिक्स मतलब ये होगा कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहना चाहिए, इसका प्राइस कितना रहना चाहिए। देखिए पहले 5 रुपया में देता था, अब 7 रुपया 8 रुपया हो गया ये, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ गया इसका, ऐसा कंपटीटर ने कोई भी यूज नहीं करता था, लेकिन अब जिसके पास देखते हैं लिंक ग्लेशियर रहता है, समझे, तो देखिए डिमांड बढ़ जाता है तो क्या कर देता है ये आपको, कोई कोई ये कंपटीटर नहीं है, पहले लिंक ग्लेशियर स्मार्ट से हम लोग लिखते थे, दूसरा तीसरा पेन से, लेकिन अब हाथ बैठ गया तो दूसरा पेन अच्छे नहीं लगता है लिंक ग्लेशियर के अलावा, अब 200 रुपया में देगा तो लेना पड़ेगा, ठीक। तो प्राइस क्या रहना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट का, ये दिखा इस पर डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है उसका, सप्लाई क्या है, ठीक। प्राइस मिक्स ये हो गया, फिर आता है आपको तीसरा नंबर में, आपको आता है क्या, प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स नाम से ही पता चलता है, प्रमोशन मतलब क्या, देखते होंगे आपको कहाँ, पता है कपिल शर्मा शो जैसे जैसे फिल्म बनाएगी ना हीरो हीरोइन तो चले जाता है कहाँ, कपिल शर्मा शो में, कपिल शर्मा शो में क्या होता है, अपनी फिल्म के बारे में बोलती है, वहाँ से हर एक आदमी कपिल शर्मा देखता है तो अच्छा ये फिल्म आने वाला सबको पता चल जाता है, प्रमोशन करती रहती है, समझे। अब तो प्रमोशन तो इंस्टाग्राम पे होता है, समझे, इंस्टाग्राम पे आपको दे दिया, जिसका जो प्रमोशन कराना है कराते रहिए, समझे, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो ये आपको रहता है उसको ज़्यादा कमाई इंस्टाग्राम नहीं देता है, लेकिन जो प्रमोशन करवाता है वो सब पैसा देते रहता है। तो प्रमोशन मिक्स क्या हो गया ये समझिए, मार्केटिंग का हिस्सा है, मार्केटिंग ही होता है प्रमोशन करने से। द प्रमोशन मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स लाइक एडवर्टाइजिंग। जो प्रमोशन मतलब क्या, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाना, प्रचार मान लीजिए टीवी में करवाता है, डेनवर का प्रचार देखते हैं कुणाल वाला जो करता है मस्त करता है, फिर मान लीजिए दूसरा प्रचार करवा लेते हैं द फेयर एंड लवली का, दो या दिन गोरा हो जाएगा, क्या करता है धूप में जाएगा फिर भी गोरा रहिएगा, एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है मतलब प्रमोशन कर रहा है अपने प्रोडक्ट का, समझे, आपको मजबूर कर रहा है खरीदने के लिए। सेल्स प्रमोशन होता है, पब्लिक रिलेशन होता है, पर्सनल सेलिंग होता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होता है मतलब क्या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ अब बोलो खरीदने के लिए, उसको क्या बोलते हैं प्रमोशन। किसके थ्रू सब होता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, कहीं कहीं आप सैंपल बांट दीजिए, ये सब क्या हो गया आपको प्रमोशन मिक्स हो गया, संवर्धन विक्रय हो गया, ठीक। देखिए संवर्धन मिश्रण से आज पे व्यवसाय द्वारा उपभोक्ता को उत्पाद के संबंध में सूचित करने एवं प्रेरित करने के लिए अपनाई गई विधियों का योग से है, मतलब क्या कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएं और उपभोक्ता को बताएं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप खरीद लीजिए और आपको ये फायदा करेगा, उसी को बोलते हैं क्या प्रमोशन करना, ठीक। प्रमोशन के अंदर आता है आपको चार चीज़ देखिएगा,
पहला आता है एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। विज्ञापन मतलब क्या होता है, टीवी न्यूज़पेपर रेडियो के थ्रू जब प्रचार उचार करवाना, एडवर्टाइजमेंट करता है। पहला प्रमोशन तो इसके थ्रू हो जाता है। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, आप माल कोई बनाए, मान लीजिए पेन बनाए, हम बोलेंगे जाएंगे आपके पास, देखिए सर एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट सिर्फ टाइम दे दीजिए, एक मिनट आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका क्या कर देंगे हम ये, आपको जाएंगे और क्या बोलेंगे। पर्सनल सेलिंग कौन करता है पता है, नेटवर्क मार्केटिंग। तीन आदमी को जोड़ो और तीनों महीना में तुम जो 3 करोड़पति बन जाओगे, गजब मार्केटिंग करता है, समझा। पर्सनल सेलिंग में बोलता है क्या, क्या आप अपने जिंदगी से खुश नहीं है तो मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, देख रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है 3 आदमी को जोड़ते पर्सनल सेलिंग कर रहा है, वो जाता बोता उसका जोड़ दिया आपको, फिर बोलेंगे मेरा प्रोडक्ट है आप ले लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। मतलब पर्सनल सेलिंग, व्यक्ति के पास जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और उसे कन्विंस करना खरीदना, पर्सनल सेलिंग हो गया। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, कूपन देना, सैंपल देना, बोलेंगे सर देखिए एक बर्गर खा लीजिए, अच्छा लगेगा तो दूसरा खरीद लीजिएगा, नहीं इतने खरीदिएगा, पता क्या सैंपल दे रहे हैं उसको, डिस्काउंट देंगे, सर आप 2 खरीदिएगा ना बर्गर तो आपको 1 बर्गर फ्री दे देंगे, पता क्या सेल्स प्रमोशन उसको बोलाता है। सेल का हम प्रमोशन तो कर रहे हैं लेकिन सेल के थ्रू, अपनी बिक्री के थ्रू। पब्लिसिटी मतलब क्या हो गया, पब्लिसिटी मतलब होता है प्रचार करना। प्रचार मतलब क्या, मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर में आपको छाप दिया कि आप बहुत बड़ा अच्छा आदमी है मान लीजिए, तो वो क्या हो गया, आपको ना तो पैसा लगा ना कुछ लगा, लेकिन आपका प्रमोशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, उसी को बोलते हैं पब्लिसिटी, ठीक। जैसे कपिल शर्मा शो में आज बुलाता है हीरो हीरोइन को और क्या करता है, एकदम जोक उक बोलता है और उसका प्रचार हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाता है, समझे। जैसे फोन नया नया फोन निकला, कंपनी वाला निकालता है कि मेरा iPhone 13 Pro Max हुआ, आप देखिए यूट्यूबर सब एकदम धांधली करना शुरू कर देता है, तुरंत मोबाइल मंगाता है, एकदम पूरा प्रचार करना शुरू कर देता है, पब्लिसिटी करना शुरू कर देता है। कंपनी कुछ करता है उसमें, कुछ करता है, 1 रुपया खर्चा हुआ नहीं ना कंपनी का, लेकिन क्या कर देता है यूट्यूब सब पब्लिसिटी करता है, पब्लिसिटी उसको बुलाता है, ठीक, जिसमें 1 भी रुपया खर्चा ना हो और प्रोडक्ट बिक जाए, ठीक। पब्लिसिटी उसी का होता है जो ब्रांड बन जाता है, समझे जल्दी। अंतिम होता है प्लेस मिक्स, 4 हमें ये एलिमेंट पढ़े थे, प्लेस मिक्स इसका भी हिंदी लिखना भूल गए, नहीं चलिए अच्छा कोई दिक्कत हिंदी लिख लीजिए। प्लेस मिक्स रेफर्स टू द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू कंज्यूमर, मतलब क्या इसमें डिसीजन लेना रहता है क्या, प्लेस में कि हम कहाँ बेचें, ऑफलाइन बेचें कि ऑनलाइन। प्लेस में अभी तो ऑनलाइन देखिए, मामा अर्थ का 90% प्रोडक्ट ना कहाँ बेचता है बताया, ऑनलाइन बिकता है, मतलब अब तो मैक्सिमम प्रोडक्ट सबको ऑनलाइन लाया जाता है। आप भी आप मान लीजिए बिजनेस करेगा तो सोचिएगा करिएगा क्या कि ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा कोशिश करिएगा कोई प्रोडक्ट को लाने का, अच्छा रहता है समझे, जल्दी सक्सेस मिल जाता है। पहला होता है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या आप मान लीजिए ब्रांड बनाएगा तो आप ये सोचिएगा हम रिटेलर को माल बेचे कि कंज्यूमर को डायरेक्ट माल बेच दे कि होलसेलर को माल बेचे। जैसे ऑनलाइन में क्या होता है, मामा अर्थ क्या करते हैं ऑनलाइन, अपना लोग फ्लिपकार्ट सब चलाते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर है ना, हम लोग कंज्यूमर है, डायरेक्ट कंपनी से माल खरीद लेते हैं, अर्थात क्या चैनल डिस्ट्रीब्यूशन किसे हुआ, डायरेक्ट टू कस्टमर D2C, मतलब क्या आपको माल जो हमारा डायरेक्ट कस्टमर ले लेता है। बहुत जगह ऐसा रहता है जैसे मान लीजिए कि कस्टमर ने होलसेलर चाय पत्ती सबको हो गया, चाय पत्ती का बगान जो रहता है वो अपने होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर के पास आता है और आप लोग अपना अगल बगल वाला दुकान में जाता है चाय पत्ती ले लेते हैं, मतलब चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये सोचना पड़ेगा कहाँ बेचना है, ठीक। एक होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या भौतिक वितरण, मतलब आप जाइए अपना भंडार खोलिए, स्टॉक खोलिए, वस्तु का परिवहन क्या होगा, मतलब परिवहन के थ्रू हम बेचना, उसी बोलते हैं प्लेस मिक्स। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, हम मान लीजिए पटना में भंडार करवा देंगे अपना प्रोडक्ट और वहीं से माल बेचेंगे, मतलब क्या होगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हम जाएंगे हम भंडार करेंगे और हम बेचेंगे। एक रहता क्या, हम जयबन करेंगे आप बोलेंगे कि आप खरीद लो माल, ये क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए मॉल सब क्या होता है, मॉल सब अपने पास आता है शहर में लगता है, उसके बाद वो हो गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। लास्ट टॉपिक है आपको एडवर्टाइजिंग, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट का बच्चा मतलब समझता प्रचार, बस हो गया एडवर्टाइजिंग। तो हिंदी में क्या बोलते हैं बिजनेस पे, विज्ञापन जिसको बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज ए वे ऑफ कंपनी टू टेल यू अबाउट देयर, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मतलब विज्ञापन के थ्रू कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है क्या, जैसे फेयर लवली बोलता है एक दिन में गोरा हो जाओ, अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलता है एंड ट्राई टू कन्विंस यू टू बाय इट, और आपको कन्विंस भी करता है कि आप गोरा हो जाएगा तो आप खरीद लीजिए, तो होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या होता है, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलता है, अब बोलता ही नहीं है, आपको कन्विंस भी करता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरा खरीद लीजिए प्रोडक्ट, ठीक। ये होता है क्या आपको विज्ञापन। विज्ञापन से अभिप्राय बाजार के संभावित उपभोक्ता को किसी विशेष वस्तु या सेवा को जानकारी देकर समझे उसे खरीदने के लिए प्रेरित करना, मतलब क्या जानकारी देंगे हम आपको बताएंगे और आपको बोलेंगे खरीदने के लिए, ठीक।
इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या क्यों हम खरीदे भाई, एडवर्टाइजिंग करना क्यों जरूरी हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट का। पहला बात तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज मार्केट एरिया, सही बात है। अगर मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट करेगा ना तो आपको आप 10 आदमी जान रहा है ना, आप प्रचार जब टीवी में करवा दीजिएगा पूरा देश दुनिया जानने लगेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, अर्थात क्या मार्केट एरिया बढ़ गया। पहला तो ये फायदा हो गया आपको एडवर्टाइजमेंट करने का। दूसरा क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सही बात है। देखिए विज्ञापन के थ्रू क्या हो गया, यहाँ पर समझिए कि विज्ञापन के थ्रू क्या होगा आपको कि प्रोडक्ट जो है मान लीजिए कि आपको पहले लेता था क्या 1 लाख बिकता था, 5 लाख बिकने लगा, 5 लाख बिकने लगा तो हम क्या कर देंगे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमको ज़्यादा पैसा कम पैसा लगेगा। आप एक चीज़ बताइएगा कि आप कोशिश करिएगा कि एगो चीज़ बनाने का कोई भी चीज़ मान लीजिए पेन बनाने का, एक पेन बनाने में जितना खर्चा लगेगा ना उससे कम खर्चा लगेगा। कभी आप लोग रेस्टोरेंट गए होंगे दोस्त के साथ, डेफिनेटली गए होंगे, आप अकेला जाइए खा के आइए तो आपको 400-500 का बिल बनेगा। वही 10 आदमी मिल के जाइए कितनों खाइएगा तो बहुत ही लगेगा, 150 से 200 रुपया लगेगा, उसके बीच में खा के आ जाइएगा। सोच लीजिए क्यों, क्योंकि जितना आदमी रहता है उतना कम रिड्यूस हो कॉस्ट हो लगता है। ठीक, याद रखिएगा एडवर्टाइजमेंट करने से आपको सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो क्या कर देंगे हम आपको, उसके कारण कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, जैसे ही बात है। अब जो प्रचार वाला सबको जो हीरो हीरोइन सबको तो पैसा कहाँ से आता है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है, कैमरा वाला सबको कहाँ से आता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उससे, याद रखिएगा। नए नए रोजगार कोई भी काम करने से बिजनेस करने से एम्प्लॉयमेंट होता है। इट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन सो यू कैन मेक ए स्मार्ट चॉइस व्हेन, देखिए ये आपको इस इन्फॉर्मेशन देता है कि एक ही प्रोडक्ट नहीं है, आपको गोरा बनाने के लिए फेयर एंड लवली नहीं है, मामा अर्थ का भी प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट भी है, समझे, पॉन्ड्स का भी है और कुछ कुछ है, समझे। अर्थात क्या, गिव्स यू इन्फॉर्मेशन सो यू कैन मेक स्मार्ट, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि देखिए, मतलब सूचना देता है कि प्रोडक्ट किस टाइप का है ताकि आप भटकिएगा नहीं, ताकि आप समझ पाइएगा अच्छा इसका प्रोडक्ट बढ़िया है तो हम इस यही खरीद लेते हैं, पॉन्ड्स वगैरह से कुछ होना होगा हम क्या कर लेते हैं फेयर लवली बढ़िया एक दिन में गोरा कर देता था हम वही खरीद लेते हैं। ठीक, एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, सही बात। देखिए प्रचार के थ्रू ना नया प्रोडक्ट आराम से हो जाता है, अब छोटा छोटा आदमी भी दिखेगा 1-2 साल में बड़ा बड़ा ब्रांड बना लेता है, क्यों, प्रचार के थ्रू, प्रचार इसी के थ्रू ही बना पाता है, नहीं तो नहीं बना पाता है, समझे। पहले क्या कर लेता था, एगो ब्रांड बनाने में कई साल लग जाता था क्योंकि लोग जान भी नहीं करता था, अब क्या है मोबाइल हर एक आदमी के पास है, मोबाइल प्रचार चला देता है एकदम आदमी सब आदमी जानने लगता है, उससे क्या होता है आपको क्या बन जाता है उसका ब्रांड बन जाता है, समझे। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी वेरी इजीली, मतलब नया प्रोडक्ट कोई कंपनी का है, जैसे टाटा कुछ मान लीजिए कार नया लॉन्च किया तो वह प्रचार करवा देगा हमने मेरा नया कार ये है, तो एडवर्टाइजमेंट तो सब जगह फैल जाएगा, अच्छा टाटा का नया कार ही आना ये ही आने वाला है, समझे। तो एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा फायदा है, आपको लॉस तो हमको नहीं नजर आता, थोड़ा बहुत लॉस है, डिमेरिट है इसका, समझे, कॉस्ट ज़्यादा लगता है वगैरह वगैरह, बाकी फायदा बहुत है। ठीक, ये चैप्टर खत्म हो गया, आपको एक ही चैप्टर बच गया वो भी आपको हम खत्म कर देंगे बहुत ही जल्दी। चलिए थैंक यू सो मच, लेकिन जैसे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा कोई भी दिक्कत तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और मैसेज करिए।